अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिल्कुल ठीक। और आप अपनी बताएं, कैसी जा रही हैं आपकी बाकी क्लासेस? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो चलें जी, हमारी उर्दू की क्लास है। आज हम उर्दू में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस नए टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ। उसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलवाहिदो बताया था ना, वाहिदो का मतलब क्या था? वन, ठीक है। क्या मतलब हो गया? अकेला, अकेला हो गया। अब जैसे ये है मेरे पास एक रंग, ठीक है। अब ये एक रंग है, जब मैं इसके बीच में बाकी रंग मिलाऊंगी तो इनको क्या कहेंगे? रंग, रंगो। हाँ जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाहिद जमा पर। हम लोग पढ़ेंगे एक चीज के बारे में, और अगर वो एक चीज बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले इसके बारे में एक वीडियो देख लें अपने एडवर्ड चैनल की। उसके बाद हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स देखेंगे और उसके बाद जाकर काम करेंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी वीडियो चैनल की वाहिद जमा। जैसे कि जंगल वाहिद है, और ये देखो जंगलात, ये है जमा। ये है एक औरत वाहिद, और ये है औरतें जमा। यहां पर है एक अंडा वाहिद, और ये है अंडे जमा। अब देखो ये तारा जो कि है वाहिद, और ये है तारे जो कि है जमा। और ये प्यारी सी तितली वाहिद, और ये बहुत सारी तितलियां जो कि है जमा। ये है समर वाहिद, और अस्मार जमा। आओ देखते हैं वाहिद और जमा। ये था हमारा वाहिद जमा का टॉपिक, ठीक है। मैं इसको पॉज कर लूं, मीन स्टॉप कर लूं। हम लोगों ने क्या किया है, आपने देखा है कि अगर एक चीज हो तो वो वाहिद है, और अगर एक या एक से ज्यादा चीजें हों तो वो होती हैं जमा, ठीक है। जिस तरह मैं आपको कुछ चीजों की अब एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। ये मेरे पास है कैंची। अगर ये एक है तो ये कैंची, और अगर ये दो हो जाए तो हो जाएंगी कैंचियां। इसी तरह मेरे पास ये एक पेंसिल है, एक पेंसिल, और ये हो जाएंगी पेंसिले या पेंसिलों, ठीक है। अब मेरे पास ये है रबड़, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? रबड़। अब ये एक है तो एक होगी रबड़, बहुत सारी हो गई रबड़ी, ठीक है, रबड़ी। इसी तरह मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर, जब बहुत सारे मार्कर्स आ जाएंगे तो ये आ जाएंगे मार्करों। देखिए ये मार्करों, एक हो गया मार्कर, बहुत सारे हो गए मार्करों। अब देखिए ये मेरे पास है किताब, जब मैं बहुत सारी किताब मिला लूंगी ये सारी चीजें आ जाएंगी, हो जाएंगी किताबें, किताब, किताबें या किताबों। तो ये है बेटा वाहिद और जमा। आप लोगों को समझ आ गया वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट, के वाहिद और जमा किसे बोलते हैं? एक चीज को वाहिद और बहुत सारी चीजों को जमा कहा जाता है। आप अपनी नर्दबाने उर्दू निकालेंगे, उस पे से सफा नंबर निकालेंगे हम, सफा नंबर 16। वाहिद जमा का टॉपिक है हमारा, सफा नंबर 16 से हम ये काम करेंगे। और आ जाए हम लोग वाहिद जमा, खोली आप सबने वाहिद जमा। ये देखिए इन्होंने हमें बताया है तादाद के लिहाज से इस्म की दो इकसाम हैं, वाहिद और जमा। कोई भी एक इस्म वाहिद और एक से ज्यादा इस्म जमा कहलाते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। वाहिद से जमा बनाने के तरीके हैं।
जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या वाव आते हैं इन्हें हटाकर बड़ी ये या वाव नुनगुन्ना का इस्तेमाल कर जमा बनाई जाती है। जैसे देखिए, अब आ रहा है बूढ़ा, ठीक है, आखिर में क्या आया है, अलिफ आ गया है। अब ये दोनों इसमें से बन सकते हैं, बूढ़े बूढ़ू, ठीक है, ये दोनों हमारे करेक्ट वर्ड होंगे। जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आता है उस लफ्ज के आखिर में से अलिफ हटाकर बड़ी ये या वाव नुनगुन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अंडा अंडे अंडों, ठीक है। हम लोग अपना ये देखे, उन्होंने हम लोगों को तरीका भी ऊपर बताया है, जमा बड़ी ये और जमा वाव लगाकर हमने ये अल्फाज कंप्लीट करने हैं, यानी के मुकम्मल करने हैं। तो चले हम लोग बनाते हैं, बूढ़ा बूढ़े बूढ़ों, ये आपने एक एक खाने में लिखना है, ठीक है। पोता पोते पोतों, ये आपके वर्ड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलिफ पे एंड हो रहे हैं। ये दिमाग भी आपने रखना है, ये सारे अल्फाज अलिफ पे एंड हो रहे हैं। इसी तरह पंखा पंखे पंखों, कपड़ा कपड़े कपड़ों, पौधा पौधे पौधों, ठीक है बेटा। अब हम लोग करते हैं, तो मेरी ना आप लोगों ने ये लिख लिया, हम लोग बाकी अल्फाज भी लिखते हैं। पैसा पैसा पैसे पैसों, पैसा पैसे पैसों, ठीक है। बच्चा बच्चे बच्चों, आप बताएं, तोहफा तोहफे तोहफों, बस्ता बस्ते बस्तों, प्याला प्याले प्यालों। ये आप लोग सफा नंबर 16 पे ये सारे वाहिद जमा लिखें, उसके बाद हम दूसरे वाहिद जमा करते हैं। ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है, आप देखें, या दूसरा बोर्ड लेकर आओ। ठीक है, आप सब ने यकीनन ये काम लिख लिया होगा। अब हम करते हैं अपना सफा नंबर, ये मैं लिखा रहने देती हूँ क्योंकि होप्स तो कुछ बच्चों ने काम ना किया हो। सफा नंबर 17 पर आए, छोटी ए पर खत्म होने वाले अल्फाज के आखिर में या अलिफ या नुनगुन्ना और यूं लगाकर जमा बनाते हैं। जैसे खिड़की खिड़कियां खिड़कियों, शीशा शीशों शीशे, इसी तरह पेंसिलों, पेंसिल तो नाम पे आ रहा है लेकिन पेंसिलें भी हम उन्हें कह सकते हैं। अच्छा किताब, छोटी है के बारे में उन्होंने हमें सिर्फ बताया ताकि हमारे दिमाग में सिर्फ छोटी है वाले अल्फाज रहे। तो जैसे अब लड़की लड़कियां लड़कियों, कुर्सी कुर्सी, इस तरह लिखती हूँ मैं, कुर्सियां कुर्सियों, लकड़ी लकड़ियां,
लकड़ियों, उसके बाद मछली, मछलियां, मछलियों, बुराई, बुराइयां, बुराइयों, उसके बाद है गर्मी, गर्मियां, गर्मियों, खिड़की, खिड़कियां, खिड़कियों। ठीक है, ये आ गए हमारे ये वाले अल्फाज, आप लोगों ने लिख लिया खिड़कियां, खिड़कियों। अब ये वाले जो लास्ट वाले कुछ रह गए हैं, ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा लफ्ज बता दिए। ठीक है, कुर्सियां, कुर्सियों, लकड़ियां, लकड़ियों, मछलियां, मछलियों, बुराई, बुराइयां, बुराइयों, गर्मी, गर्मियां, गर्मियों, खिड़कियां, खिड़कियों। अब ये वाले अल्फाज मैं मिटा रही हूं, अब आप मुझे बताओगे। अलमारी का जमा क्या होगा? अलमारियां और अलमारियों। वेरी गुड। अंगूठी का जमा क्या होगा? अंगूठियां। और अंगूठियों। उसके बाद बताएं रस्सी का, रस्सियां, रस्सियों। तितली का, तितलियां, तितलियों। और लास्ट का क्या आएगा? सुई, सुइयां, सुइयों। ये हो गया बच्चों आपका वाहिद जमा का टॉपिक, जिसमें आपने सीखा कि हम लोग किसी भी वाहिद को जमा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे जरा लेसन वाइज रिवाइंड करने लगी हूं। मुझे बताएं कि खिड़की का जमा क्या होएगा? खिड़कियां, बुराई का बुराइयां, बुराइयों भी कह सकते हैं और बुराइयां भी कह सकते हैं, वो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। अंगूठी का जमा क्या होगा? अंगूठियों या अंगूठियां, अंगूठे नहीं हो सकता। ठीक है, वो अंगूठा का जमा हो जाएगा, अंगूठे, अंगूठियां का नहीं होएगा। कपड़ा का, कपड़े, कपड़ों। अब इसमें हम कपड़ियां नहीं कह सकते। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आपने दिमाग में रखनी है कि ये आपने मिक्स नहीं करनी है। बच्चा का, बच्चे या बच्चों। और बस्ता का, बस्ते या बस्तों। ठीक है, और लकड़ी का, लकड़ियां या लकड़ियों। ग्रेट, ये हो गया हमारा वाहिद जमा का टॉपिक। आप सब लोगों ने इस वाहिद जमा के टॉपिक को याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो वाहिद जमा आएंगे किसी भी तरह के आएंगे। उसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि आपने वाव के साथ करना है या आपने अलिफ के साथ करना है, क्योंकि ये काम आप अपने आप से करेंगे और खुद से करेंगे। तो आप देख लें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लें,
और एक काम ये करें कि मुझे जल्दी से एक तस्वीर बनाकर दिखाएं, जगह एक जगह पे वही चीज हो और फिर उसकी जमा चीजें भी हो, ठीक है? शाबाश। वेरी गुड, उम्दा काबिज, शाबाश। ये भी बढ़िया है, ये बढ़िया, वो भी बढ़िया, शाबाश। तो ये वही जमा आपको समझ आ गए होंगे। अब आप लोगों ने अच्छे से अपनी सारी रिवीजन करनी है ताकि ये सारा काम आपके काम आ सके। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।